Hello guys, so we are at Mugello and we are heading for the Q1. We are not good at this track, literally we are not good at this track because I am losing around 2 seconds, like 2 seconds are too much. And let's see if we can do something in Q1 or otherwise we will meet in the race from the last position if we won't able to do anything. So let's just start the race. And मेरी इंग्लिश खत्म हो चुकी है हिंदी में बात करते हैं हिंदी में फील आया तो पीछे वाला टायर ठीक है आगे वाला टायर सॉफ्ट ओके वी विल गो विद दिस फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट अ क्लीन लैप नाउ इसके बाद अपन अंदर जाएंगे ठीक है गलती होगी मुझसे गया लैब वी आर गोइंग इन जल्दी वी विल गो इन फॉर श्योर हम टायर यूज नहीं करेंगे ज्यादा गिरे जा रहे हैं शर्म नहीं आ रही दूसरे सहपाठियों को भी देख लो कम से कम वो तो नगर रहे भाई ब्रेक नहीं लग रही है कुछ still counting the lap but seriously ab to main khud hook chhod chuka hoon lap ki main aage wala tire change karna padega khair hum isi tire ke sath aayenge piche wala tire hamara same hi rahega agar main zyada use nahi kiya is lap mein to invalid ho gaya chalo theek hai koi baat nahi so we are going in बस ये complete हो जाए जैसे तैसे we are going in the pits बाहर देखो ये फर्क है भाई ये अगर टीसीएस 3 होता ना तो बहुत मतलब तुम समझ रहे हो बहुत अंदर से पता जाता है जो टायर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है भाई बहुत ज्यादा मतलब कॉर्नर्स पे क्या ही बताऊं मैं इतना ज्यादा यूज होना नहीं चाहिए यहाँ पे तो चाहे कुछ हो जाए यहाँ पे हमें हार्ड टायर ही लेना पड़ेगा पीछे बहुत ज्यादा रियर टायर यूज होता है यहाँ पे यार गोइंग इन लेट्स गो लेट्स स्टार्ट दिस मुजेलो पता है इतना सुंदर लगता है ना मेरे को देखने में पर उतना है नहीं ये मतलब रेसिंग में क्या ही बताऊं मैं मेरे लिए तो बहुत गलत साबित हो रहा है अभी तक पहले हम स्लो हो चुके हैं नॉट दैट स्लो फर्स्ट टाइम फर्स्ट सेक्टर में ये तो होता ही हूँ मैं ऑफ कोर्स इस ट्रैक पे मुझे पता है बट बाकी नहीं हो पाता ना मैं वही दिक्कत है बस क्योंकि अब 4 टेंथ ऑफ द सेकंड स्लो सो मेन कॉर्नर आ गया मेरा जहां पे ब्रेक नहीं लग रही है ढंग से लग गई इस बार भी मैंने काफी बार लगा दी बट हम वाइड चले गए हैं एंड इसको कवर अप करने के लिए हमें स्लो होना पड़ेगा तो हम 1 सेकंड स्लो हैं आई गेस मैं लेके चलता हूँ 1 सेकंड को ये गो वाइड टच द कर्व्स काफी स्लो थे हम उधर भी
मान के चलता हूँ कि हम काफी ज्यादा स्लो हैं और ये गैप कर 2 सेकंड स्लो हो चुके हैं, देखा तुमने ऑलरेडी, ये प्रॉब्लम है दो ज़िगज़ैग्स में। Okay, so I don't think so. Okay, let's start. We will start it from the last. Not getting it. क्या हो रहा है? But what can you do? Fabio Quartararo इस बार Q1 में है. That's a shock. Yeah, सही first corner. काफी तेज में फर्स्ट में तो भाई बस बटी फर्स्ट सेक्टर में ही है, आई डोंट नो क्यों बाकी में किसी में भी नहीं है, और ये बाकी में होना चाहिए था, मतलब सेकंड थर्ड में हो जाए, इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड थर्ड में यार, आई एम वेरी स्लो इन सेकंड एंड थर्ड, सी 5-10 डाउन हो गया मैं, 4-10 तक था, मतलब मैं 1 सेकंड डाउन हूँ इस पूरे में अगर मैं टोटली देखूँ तो। स्लो वाइड हो गया मैं यहाँ पे भी, एंड दिस कॉर्नर इज द ट्रिकीएस्ट वन, मैं पूरा 1 सेकंड स्लो हूँ, तो हम टाइम जरूर दे देंगे अपना यहाँ पे, और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि हम कहाँ लाइक कर रहे हैं इस ट्रैक में, बट दैट्स फॉर श्योर हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज अगर Q1 में यह हाल है तो Q2 में क्या ही होगा ना, वही बात है। 9th, 10th, ओके हम 6 आ चुके हैं, बट दैट डज नॉट मैटर, ये गिरे ना हम उधर गलत गिरे, सो वी आर एट 6th पोजीशन, 149.029 इज फेवरेट ड्रॉ, जो कि मार्क मार्केज भी नहीं कर पाया Q1 क्लियर फक। ओके सो लेट्स गो फॉर द रेस। Hi motorcycle fans, we are moving now to the starting grid where the MotoGP riders are ready. Not long to...
While the riders complete their victory lap and return to the Parc Fermé, let's take a look at the final ranking of today's race.